हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने यह साफ कर दिया कि एनडीए के खिलाफ जो इंडिया नाम से गठबंधन बना है वो लोकसभा चुनाव के लिए है और हरियाणा में कांग्रेस अपने आप चुनाव लड़ने में सक्षम है। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ के हालातों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। आपकी हुड्डा ने कहा कि एनडीए के खिलाफ जो इंडिया नाम से गठबंधन बना है वो लोकसभा चुनाव के लिए है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपने आप चुनाव लड़ने में सक्षम है, बाकी बची पार्टियां अपना गठबंधन कर लें। बात की बात है, हरियाणा में हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस खुद में सक्षम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाढ़ की स्थिति को लेकर सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए और बाढ़ के दौरान मारे गए नागरिकों के परिवार जनों सरकार की तरफ से जो प्रबंध होना चाहिए था, जो समय पर कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए। ये ठीक हैवी रेन हुआ, पानी ज्यादा आया, आपदा है, लेकिन अगर समय पर कदम उठाते, सब ड्रेनों की सफाई करते, जो ड्रेनों के किनारे मजबूत करते, उनकी सफाई करते, जो आपके बंद बने हुए हैं, यमुना में ठोकरें मनाई जाती है, ठोकरें मनाते और इलीगल माइनिंग रोक पाते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार अभी भी पोर्टल के सहारे बैठी है, तो प्रदेश में अगर पोर्टल इतना जरूरी है तो किसी मुख्यमंत्री और मंत्री की जरूरत नहीं है, पोर्टल से ही सरकार चलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार आते ही उन सभी पोर्टल को बंद कर देगी जो जनता के सामने समस्याएं पैदा कर रहे हैं। पोर्टल के बहाने से एकदम मुआवजा डेफर किया जा रहा है, पोर्टल की जरूरत नहीं, ये सरकार पोर्टल सरकार है, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है, पोर्टल से चल जाएगा। किसी मंत्री की जरूरत है ना, मुख्यमंत्री की जरूरत है ना, किसी सरकारी अफसर की जरूरत है, उनके पोर्टल से चल जाएगा। तो ये पोर्टल के बाद छोड़ के बाना छोड़ के तुरंत राहत कार्रवाई करनी है, जो ऐसे कहते हैं इमरजेंसी लेवल पे जैसे काम होता है वैसे राहत के कार्य शुरू। फसल बीमा योजना के प्रीमियम को बढ़ाए जाने पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना केवल निजी कंपनियों को मुनाफा देने के लिए शुरू की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि सीईटी और कौशल रोजगार प्रदेश के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। प्रदेश में ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहाँ पर कर्मचारी सरकार के खिलाफ लामबंद न हो। क्लर्क काफी दिनों से स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। रोहतक से देवेंद्र शर्मा, टोटल न्यूज।